हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो हमको गाली दे रहा है, तो हम गाली की स्वीकार करेंगे? जो हमें हिंदू कहेगा वो हमको गाली देगा, जो हमको गाली देगा उसका जवाब दूंगा। हिंदू मुसलमान की वजह से ये गाली विभाजन हो गया, कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा। 14 अगस्त 1947 को जो भारत का विभाजन हुआ वो हिंदू मुसलमान के देरी पर ही हो गया। वो जो हमारा माँ बाप अनपढ़ जो है पहली क्लास में एडमिशन के लिए लेके जाता है गाँव देहात का, तो वहाँ एंट्री कौन करता है? हम हमारा धर्म बता रहे। क्या बात कर रहे हैं मान्यवर, क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो आप? पत्रकार के तौर पर सलाह पूछ रहे हो या बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर या आरएसएस के तौर पर? हाँ तो आपका पत्र सवाल पूछो ना। आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दे दिया, खत्म हो गया ना। आप बहस करते हो ना, बहस करने के बाद पता चलता कि आप केवल पत्रकार नहीं हो। आप जब बहस करते हो तो पता चलता है आप केवल पत्रकार नहीं हो। क्या 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 ऑफिशियली आप तो हिंदू है, आप बोलते हैं कि हमको हिंदू मत कहो, मैं जूता मारूंगा आपको, तो ये जो कंट्राडिक्शन है इसको किस तरह से आप ये करें? आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि आप ऑफिशियली हिंदू हैं? आप बता के सुनिए, क्या आप बात करते हैं? अरे आप कह रहे हैं ना, हमने तो नहीं कहा, हम कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम ऑफिशियली हिंदू है, ये किस्म की बात कर रहे हैं? आपके जितने डॉक्यूमेंट बने हुए हैं वहाँ रिलीजन के कॉलम में क्या लिखा हुआ आपके नाम के साथ आया आपके? क्या आप लोगों को स्कूल का सर्टिफिकेट कैसे बनता है पता है? जैसे भी बनता हो, ये सीधा सवाल है, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें एक पूछिए ना, एक पूछिए, सबका जवाब देता हूँ। हाँ, अब मान लो हमारी उम्र 7 साल की है, गांव में हम रहने वाले हैं, हमारा माँ बाप एडमिशन लेने के लिए जा रहा है, सर्टिफिकेट कौन तैयार करता है? रियलिटी को जानो भाई, कौन सर्टिफिकेट तैयार करता है? वही सर्टिफिकेट चलता ना आगे तक, चलता कि नहीं चलता? अरे रियलिटी है कि नहीं? वो जो हमारा माँ बाप अनपढ़ जो है पहली क्लास में एडमिशन के लिए लेके जाता है गांव देहात का, तो वहां एंट्री कौन करता है? वो देहाती आदमी करवाता है। अभी सुनिए, अरे बहसबाजी आप कर रहे हैं, आपका काम, आप पत्रकारों का काम बहस नहीं, सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए, जवाब दे रहा हूं। हम हिंदू नहीं है, जो हमें हिंदू कहेगा वो हमको गाली देगा, जो हमको गाली देगा उसका जवाब दूंगा, समझ रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूं? जो हमें गाली देगा उसको जवाब दूंगा। हाँ, आपको सबसे पहले आंदोलन तमाम इत्तेहाद और जुल्म को छोड़ करके सिर्फ उस पर आपको आंदोलन चलाना चाहिए। देखो किस पर चलाना चाहिए, किस पर चलाना चाहिए, किस पर नहीं चलाना चाहिए, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रेरोगेटिव है। उस एरिया में आप प्रवेश मत करिए, ये हमारा क्वेश्चन कर लीजिए, ये हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसका अधिकार है, वो डिसाइड करेगा, पत्रकारों को सजेशन नहीं, सवाल पूछने का अधिकार है। आप पूछिए। हाँ आप चलो 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 उधर उधर। सवाल ये है कि आपने कहा कि गांव में आपके सर्टिफिकेट्स को तैयार कराया गया, तो जो तैयार करने वाला है उसने आपसे पूछा कि आपका रिलीजन कौन सा है, आपने हिंदू बताया कि नहीं बताया? 200% झूठ। तो आपका सर्टिफिकेट में हिंदू कैसे है? हमारी उम्र 7 साल की है, हमारा माँ बाप एडमिशन के लिए जा रहा है, हम हमारा धर्म बता रहे। क्या बात कर रहे हैं मान्यवर, क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो आप? आप क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो आप? आप पत्रकार के तौर पर सलाह पूछ रहे हो या बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर या आरएसएस के तौर पर?
हाँ तो आप आपका पत्र सवाल पूछो ना सर, सवाल ही पूछ रहे हैं। कहा ये सवाल है विश्राम साहब। हाँ तो सवाल पूछने के बाद जब सुने 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 आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दे दिया, खत्म हो गया ना। आप बहस करते हो ना, बहस करने के बाद पता चलता कि आप केवल पत्रकार नहीं हो। आप जब बहस करते हो तो पता चलता है आप केवल पत्रकार नहीं हो। समझ में आ रहा क्या? हाँ हाँ चलो इनको पूछ ले दो, इनको पूछ ले दो। हाँ तो ये पूछो ना। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं समझदार हो गया, अपना फैसला करने लायक हो गया हूं कि मैं हिंदू कैसे हो सकता हूं, ऐसा मेरा सवाल है। क्योंकि हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो तो गाली दे रहा है। हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो हमको गाली दे रहा है, तो हम गाली क्यों स्वीकार करेंगे? अरे सुनिए, इनसे बात करें, पहले ही बोल दीजिए, आपको भी तो अलाउ है, आपको भी मौका मिलेगा। आधार कार्ड बताओ, नहीं लिखा हुआ दिखाओ। अच्छी बात करते हो। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, आप ज्यादा जानकार है, किसी को जबरदस्ती किसी का धर्म बताने का अधिकार है? वो नहीं है, नहीं है ना। अब पूछो, अब पूछो, एक सवाल चलो इनको पूछो। चलो हार गया। आपने अभी कहा कि मैं छोटा था, 7 साल का था। मेरा एक एग्जांपल दिया भाई, 6 लाख 6.5 लाख गांवों में जो गांव देहात के लोग हैं अपने बच्चों का एडमिशन करने के लिए स्कूल में जाते हैं, वो सारी प्रक्रिया आपको पता है, एडमिशन कैसे होता है, कौन लिखता है। एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, कहने का मतलब ये है, इसका मतलब आपके पेरेंट्स ने गलत लिखवाया कि आप हिंदू हो, उन्होंने लिखवाया हुआ ना। अरे ये तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं आज तक हिंदू था और मैं डिनाउंस करता हूँ। आप समझते नहीं हो, ये तो ऐलानिया कहा था कि मैं डिनाउंस करता हूँ। आप सीधे सीधे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ। आप और आपके हम उम्र जो लोग हैं, आप जिनको पता चला रियल क्या रियलिटी का सच आएगा, तो आप लोगों ने अपने बच्चों के कॉलम में क्या लिखवाया रिलीजन के कॉलम में? कौन से आपने आपके जो लोग तंजीम में हैं, जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, तो आप लोगों ने अपने बच्चों का रिलीजन में क्या लिखवाया है? अरे बोलने दीजिए ना, पूछने दीजिए ना, आपको बहुत बार हो गया। अरे आप पूछने तो दीजिए उनको। अरे भाई, अरे पूछने तो दीजिए, जवाब दीजिए। आप कहे की बहस कर, उनको पूछने दीजिए। हाँ पूछिए, जबरदस्ती है लिखवाने की, जबरदस्ती है कोई कानून ऐसा कि आपको लिखने के लिए जबरदस्ती है कोई कानून भारत में? नहीं है ना, ऐसा कर नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। आप सेंस के साथ जवाब नहीं देना चाह रहे? अरे भाई, मैं एक आंदोलन चला रहा हूँ, हमारी विचारधारा है, मैं अपने विचारधारा के दायरे में जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मुसलमान मजलूम है, वो मजलूम है, सब मजलूम है, सबसे ज्यादा तो अभी आप खुद मजलूम है कि आप कह रहे हैं कि हमारा धर्म हिंदू नहीं और आपको हिंदू कहा जा रहा है, तो आपको सबसे पहले खुद अपने लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तहरीक चलाने की जरूरत है, फिर बाद में। फिर सवाल के बजाय भाषणबाजी कर रहे हो। अरे सवाल पूछो भाई, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मुसलमान को साथ में ले लेना चाहिए, अपना पहले करना, ये तो तुम्हारा एरिया ही नहीं है, ये तुम्हारा ज्यूरिडिक्शन नहीं है, ये तुम्हारा ज्यूरिडिक्शन है सलाह देने का, सलाह देने के लिए तुम इधर बोल रहे हो। अरे सवाल पूछो, तुम्हारा जवाब देने का बोलो। अरे भाई पूछने दो ना, खामोश हो जाओ। सवाल नहीं, वो भाषण और सजेशन दे रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, हम लोगों को मालूम है क्या करना चाहिए। हाँ बोलो। आपने कहा है कि हिंदू मजहब, अरे अरे छोड़ो,
अरे छोड़ो भाई, अरे बात करने दो, बात करने दो, बात करने दो, बात करने दो ना, काहे के लिए खामखा बहस कर रहे हो? हाँ हाँ भाई पूछो, चलो उसको भी रिकॉर्ड करो। हाँ बोलो। अरे तुम तो पूछो, तुम तो पूछो। नहीं पूछ रहे, वो हमारा कोई सिर ना है, कौन झगड़ा कर रहा है नहीं कर रहा है उससे हमारा क्या लेना है? हम तो सवाल पूछने के लिए बोल रहे हैं। पूछो। सवाल ये है आपसे कि आपने कहा कि अगर मुझसे कोई ये कहता है कि आप हिंदू हैं, ठीक है, आपने अभी कहा ये बात कि मुझसे कोई कहता है आप हिंदू हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे गाली देता है और मैं उसको उसी तरह से जवाब दूंगा। हिंदू एक धर्म है कि नहीं? नहीं है। नहीं है, चलिए एक बात। और इसे मैं साबित कर सकता हूँ। मैं अभी पूछ ही नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। हाँ। जितने लोग मानते हैं, अब आप इस तरह से उसको गाली कहेंगे तो उनको कैसा लगेगा? बहुत सारे लोग जो है इग्नोरेंस में बहुत सारी गलत बातें करते हैं। क्या है उसमें? ये सारी दुनिया वाले मानते हैं कि इग्नोरेंस पैदा करके लोगों से गलत काम करवाया जा सकता है। नहीं, हिंदू मजहब क्या है गलत है? क्या है हिंदू लफ्ज में गाली जैसा क्या है वो बता दीजिए। डिक्शनरी मीनिंग ये है काला चोर, हिंदू का मतलब आप चोर बता। ये डिक्शनरी मीनिंग में लिखा हुआ है, मेरा नहीं, हमारे पास जो डिक्शनरी है उसमें लिखा हुआ है, तो ये हम क्यों स्वीकार करें? हमारा कहना, आपने पूछा, आपने पूछा, हमारे पास डिक्शनरी है। आपकी डिक्शनरी कोई अलग डिक्शनरी है? अरे 100 साल पुरानी भाई, हमारी नहीं, 100 साल पुरानी। दिखा सकते हैं? यहाँ डिक्शनरी लेके नहीं आया हूँ, आपको डिक्शनरी, आपको बता दो, आप हमारे पास है। मगर जिसे आप हिंदू धर्म कहते हो वो हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है, समझे? सुने सुने सुने, अरे इधर बात है। जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं, वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत, ये जो जितने संस्कृत में ग्रंथ है, हिंदू शब्द जब वेद लिखा गया कोई अता पता नहीं था, मुसलमानों के आगमन के साथ हिंदू शब्द भारत में आया, इतिहास पढ़ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता, अगर इसमें आप हिंदू शब्द निकाल कर दिखा दे, आपके हिसाब से है शब्द वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता में हिंदू है? तो क्या तो आप ही हमको क्यों बता रहे हो? आप ही दावा कर रहे हैं ना? हाँ है, दावे के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता में हिंदू शब्द है ही नहीं। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है, और क्या बताओ? तो आप मुसलमानों को साथ लेके चलेंगे? केवल मुसलमानों को नहीं, आज मुसलमान हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे साथ तमाम कम से कम 6 ऐसे धर्म के लोग हैं भारत में, जैसे जैन है, बुद्धिस्ट है, लिंगायत है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, ये मजलूम लोग हैं, इन लोगों को सिख भी, उनको साथ में लेकर चलने का कार्यक्रम है। जैसे आज मदनी साहब हमारे साथ में आए, चंडीगढ़ में और जलंधर में सिख आ जाएंगे, कर्नाटक में लिंगायत आ जाएंगे, है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है? सर सर ठीक है, सर 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 आप आ जाएंगे, कैसे लाएंगे फिर? हाँ कैसे लाएंगे? किसको? हिंदू के अगेंस्ट है तो कैसे लेके आएंगे? सामने होना चाहते हो उसको कैसे लेकर आएंगे? किसको? जिसकी आप बात कर, जिसको हम इसलिए ला कर आएंगे कि हम लोगों का एक मौलिक सिद्धांत है कि सारे इंसान बराबर है, इन लोगों को बराबरी का सिद्धांत मानने वाले लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। ब्राह्मण धर्म सारे इंसान बराबर है नहीं मानता, हम ही नहीं मानते। वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता में हिंदू शब्द नहीं है, हिंदू शब्द पर्शियन। अपना आपको बहुत सवालों के जवाब दे दिया, आपको सवाल का जवाब नहीं चाहिए, आपको आपको हमको मार्गदर्शन करना है, तो मैं कार्यक्रम बुलाता हूं आपके लिए, वहां आपको बुलाता हूं। नहीं नहीं, आपके पास ज्ञान ज्यादा है, आपको सलाह देने के लिए हम कार्यक्रम में बुलाते हैं, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, आपको बुलाते हैं, आपका नाम बोल दीजिए, आप हमको घंटा भर भाषण दीजिए, वहां आपका भाषण सुनेंगे।
है बारे डेली है मान्यवर, डेली मेरे कार्यक्रम है। आज कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूं, कल पंजाब में है, डेली है, वो मत बताइए मुझे। और जो मैं बता रहा हूं वही बता रहा हूं सारे देश भर में, जो इधर बोल रहा हूं रिकॉर्ड में बोल रहा हूं वही सारे देश भर में बोल रहा हूं। सर एक सवाल, हाँ चलो बोलो। एक मिनट, हाँ क्या क्या मौलाना साहब ने कहा था कि दलित भाइयों को पहला कर हिंदू बनाया जा रहा है, तो उन हिंदुओं को आप वापस कैसे लाएंगे? देखो पहली अहम बात तो ये है कि ब्राह्मणों के सामने ये एक बड़ी समस्या है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिनको ब्राह्मण धर्म ने अछूत बनाया उसको हिंदू कैसे बनाया जाए, ये संकट है उनका। ये तो उन्होंने बनाया अछूत। जाति एक अलग बात है, अस्पृश्यता एक अलग बात है। अस्पृश्यता की वजह से तो डॉक्टर अंबेडकर को धर्म परिवर्तन करना पड़ा, ऐलानिया करना पड़ा। काल्पनिक बातें तो नहीं कह रहा, हिस्टोरिकल बातें हैं। इन्होंने ब्राह्मणवाद के अत्याचार नहीं सहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। मान्यवर बोलने दीजिए, हम पत्रकार बंधुओं को सवाल पूछने के लिए जो कहना चाहते हैं। मुझे लगता है आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे चुके हैं, आपके कोई सवाल है नहीं, आपके मुझे नहीं लगते कोई सवाल है। आंदोलन करेंगे, आप शामिल होते हैं उसमें, आप शामिल होंगे इसमें? ये जो हम उसके विरोध में आंदोलन करेंगे उसमें, हम तो पत्रकार हैं, हाँ अब आ गए ना, तो मैं यही तो चाहता हूं कि आप पत्रकार के हैसियत से बात करें। आप पत्रकार की तरह बात नहीं करते, आप फिर हिंदू बन जाते हैं और फिर हिंदू बन के बात करते रहते हो। अरे पत्रकार पत्रकार की तरह बात करें, आपका एक धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है, आप पत्रकार की तरह बात करें। आपसे आपको हम भाषण करने के बुला रहे हैं मान्यवर, आपको भाषण करने के बुलाने वाले हैं। नहीं नहीं आप बोलिए मत, आपको भाषण करने के बुला रहे हैं। नहीं 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 आपका आपका कुछ नहीं सुनना है, आप बहुत सुन लिया, आपको जवाब भी दे दिया, आपका बहुत सुन लिया, आपका बहुत सुन लिया, आपका बहुत सुन लिया भाई। और मतलब आप सवाल पूछेंगे जैसा जवाब आपको चाहिए वैसा जवाब हमने दिया, हाँ बराबर जवाब देते हैं। अरे हम आपको जैसा जवाब चाहिए वैसा जवाब देने वाले लोग नहीं है, हम अपने विचारधारा के तहत जवाब देने वाले हैं, समझे? आजाद है, इसीलिए तो ऐलान कर रहे हैं हम हिंदू नहीं है। मान्यवर अगर आपने फैसला कर लिया कि सेटिस्फाइड नहीं होना है तो मैं क्या कर सकता हूं? सर आपने प्रेस वार्ता रखी है, पत्रकार तो सवाल पूछेंगे ही, तो फिर मैं तो पत्रकार लोगों को सवाल पूछने के लिए बोल रहा हूं। देखो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, सुने आप कह रहे हैं जवाब नहीं दे रहा, मैं तो जवाब दे रहा हूं। तो ये कोई परीक्षा है ऑब्जेक्टिव? अरे पत्रकार का तो परीक्षा देने का काम करवा रहे क्या आप? मान्यवर आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, आप थोड़ा सा आप ये तो समझिए, ये क्या कर रहे हो आप? आप पत्रकार धर्म का तो ABCD नहीं समझ रहे, अजीब किस्म की बात कर रहे हो आप हमको ऑब्जेक्टिव टाइप, यस ये नो, अरे अजीब किस्म की बात करते हो। अपने पीछे बोर्ड पे लिखा है देश की एकता अखंडता और भारतीय संविधान को कैसे बचाएं, पूछो इसके बारे में तो एक भी नहीं सवाल पूछा। आप पत्रकारों की जिम्मेदारी थी कि इसके बारे में जवाब पूछते, आप यहाँ थे ना, यहाँ के उधर कैसे चले गए? आ जाइए इधर, आ जाइए नजदीक आ जाइए। हाँ हाँ चलो चलो इनको पूछ लीजिए, चलो पूछिए पूछिए। लिखा हुआ है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जी, आप कुछ परिवर्तन लाना चाह रहे हैं जी, देश की एकता अखंडता और भारतीय संविधान को कैसे बचाएं?
अब देखो आजादी के अभी एक सवाल पूरा नहीं हुआ है। एक तरफ आप हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हो और फिर राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हो, तो सर ये लाइन कहां पूरी हो रही है? हिंदू मुस्लिम का सवाल जवाब किसने शुरू किया? आपने अभी कहा सर हिंदू और आपने काफी कुछ कहा हिंदू के बारे में। वो अपनी बात कहने का अधिकार है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कहने का अधिकार है कि नहीं? तो सर तो हम कह रहे हैं हिंदू नहीं, आपने जो अपने बोर्ड पे ये लाइन, हम कह रहे हैं राष्ट्रीय एकता, सर वो एकता कहां है फिर? तो ये आपकी राय है, हमारी राय क्या है कि जो लोग नूपुर शर्मा के जैसे जो लोग अगर मुसलमानों को कॉर्नर करेंगे तो फिर तो देश में एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। हम ये कहें क्या बोल रहे हैं? क्या थर्ड पार्टी के लिए बात कर रहे हैं? कहने दो। हाँ बोलिए। नूपुर शर्मा की बात नहीं, अपनी बात की। क्यों नूपुर शर्मा का मुद्दा सारे देश भर में मीडिया वाले चर्चा में ला रहे हैं? आप संविधान बचाने के लिए चर्चा के लिए आए हो ना, या नूपुर शर्मा के लिए चर्चा करने आए हो? नहीं, नूपुर शर्मा का तो मैंने शुरुआत नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ। अरे भाई जब वो बोल रहे थे उनको बोलने दीजिए ना, आपकी बात हो गई है, आप ही बहसबाजी करते रहते हो। जवाब नहीं दिया। चलो तो फिर इनको बोलने दो, देश की एकता कहाँ है, इनको बोलने दो ना। अरे फिर आप दोनों बहस कर रहे हैं। अरे दो में से कोई, चलो डिसाइड करो, आप दोनों डिसाइड करो। तो फिर क्या ये नहीं बोल रहे आप? अरे तो भी इनको बोलने दो ना, अरे इनको बोलने दो ना, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, आप उनको बोलने दे रहे। ये बोलने क्यों नहीं दे रहे उसको? उसको बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? उसको क्यों रोक रहे हो? अरे मैं तो उसको बोलने के लिए बोल रहा हूँ, आप उसके बीच में टांग अड़ाने का काम कर रहे हो। हाँ बोलो, चलो बोलो, इसका जवाब दे दीजिए। राष्ट्रीय देश की जो एकता है वो कहाँ पूरी हो रही है? इसमें आपकी जो लाइन है वो कहाँ पूरी हो रही है? कैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब सबको अगर एक बोलोगे तो राष्ट्रीय एकता बनेगी? यहाँ हिंदू है सर, इसमें देश की एकता लिखा। अभी आपने जो हिंदू का वर्ड तो मैं यही तो कह रहा हूँ, हिंदू की वजह से, अरे हिंदू की वजह से तो एकता खतरे में पड़ गई है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम की तो वजह से एकता खतरे में पड़ गई है। तो इसका मतलब आपका कहना ये है कि हिंदू की वजह से आप एकता खतरे में पड़ गई? यही तो मैं कह रहा हूँ, कोई छुपा के रखा हो क्या आप बोल रहे? आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये हिंदू के आधार पर देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर एकता खतरे में पड़ रही है, मतलब आप हिंदू के, और इस वजह से 14 अगस्त 1947 को हिंदू मुसलमान के नाम पर भारत का विभाजन हो गया। सर, आप अरे एक बार विभाजन हो गया हिंदू मुसलमान की वजह से एक बार विभाजन हो गया, कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं। 14 अगस्त 1947 को जो भारत का विभाजन हुआ वो हिंदू मुसलमान के थ्योरी पर ही हो गया, नहीं हुआ वो आप। मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूँ ये कह रहा। आप अपने को जो भी मानो सर, हिंदू मानो, मुस्लिम मानो, सिख मानो, फिर हिंदू को गाली मत दो ना सर। हिंदू है तो हिंदू एक बड़ा तनका है देश में, तनके भी भावनाओं ठेस मत पड़ रही ना। हमने हिंदुओं की कौन सी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कही? हम कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, कोई और अगर हमें जबरदस्ती हिंदू कहने की कोशिश करेगा तो हम मना कर रहे हैं ना। हमारी आजादी का अधिकार है कि नहीं? आप ये कह रहे हैं हिंदू धर्म ही नहीं है, आपने ये कहा हिंदू धर्म। 200% साबित कर सकता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं रेलवे में ट्रेवलिंग कर रहा था, पंडित जी चर्चा कर रहे थे, मैं शामिल नहीं हो रहा। पंडित जी ने कहा कि आप शामिल नहीं हो रहे, तो मैंने कहा पंडित जी मैं शामिल हो जाऊं ऐसा आपको लगता? देखिए फिर बाद में चिल्लाना मत, कहा नहीं शामिल हो जाइए। तो मैंने कहा ये बताइए कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म इसमें क्या फर्क है? तो उन्होंने कहा एक ही है, उन्होंने कहा एक ही है। तो मैंने कहा अगर दोनों एक ही है तो फिर इसका प्रचार करने के लिए ओरिजिनल जो नाम है ब्राह्मण धर्म उसका प्रचार क्यों नहीं करते हो, हिंदू का क्यों करते हो? ये तो मुसलमानों के आगमन के बाद जो पर्शियन भाषा बोलने वाले लोग हैं उनका दिया हुआ नाम है।
ये मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ नाम है, आपके धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो ब्राह्मण धर्म है, वर्ण धर्म है, सनातन धर्म है, आप इस नाम पर प्रचार क्यों नहीं करते? अभ्यास नहीं करना पड़ेगा आपको, जिसमें ब्राह्मण सर्वोपरि है, सबके सर पर बैठा हुआ है, वो है ब्राह्मण धर्म। इसका मतलब आप मानते हैं ब्राह्मण सबसे ऊपर है? हाँ है। अरे किसी की इच्छा हो, किसी की इच्छा ना हो, सब पर सर पर बैठा हुआ है, वो सर पर बैठा रहने के लिए ही सारा करता है 24 घंटे, और सारे प्रमाण के साथ बता सकता हूं। फिर भारत का संविधान साइड में, संविधान के अनुसार देश चलाना साइड में। हिंदू मुस्लिम जो भी है खत्म करो इसको, आप सिर्फ ये बताओ आ गए, बस आ गए, नहीं सर आ गए, हम तो तैयार है बहस करने के लिए, आप प्रॉपर जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो, तो हम प्रॉपर बहस करेंगे। आपके सवालों के जवाब देने के बाद तो चुप हो गए थे आप, सर आप उल्टा घुमा रहे हो बातों को, कोई फायदा ही नहीं है। अब आप उल्टा घुमा रहे, हर चीज को उल्टा उल्टा कहते रहोगे तो उसको क्या करें? सर जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब नहीं दे रहे हो तो फिर क्या करेंगे? जबरदस्ती तो आपसे नहीं पूछ सकते, हमारा सवाल हमारा काम है। हाँ तो फिर ये बात समझदारी की आपने की, कि आपने सवाल पूछा, हमने जो बनता है जवाब दिया, मामला खत्म हो गया था ना। पत्रकार धर्म इतना ही है, पत्रकार की मैं 2-3 अखबार का संपादक हूँ, मैं भी पत्रकार हूँ, मैं जानता हूँ पत्रकार क्या है, मैं जानता हूँ। तो ये बात आप पत्रकार से और अलग बात कर रहे हैं, केवल पत्रकार की बात नहीं कर रहे हैं। सर खत्म कीजिए। ओके ओके ओके, दूसरे को पूछने दीजिए, आप खत्म करिए, आप खत्म करिए। हाँ भाई दूसरे लोग पूछिए, आप इनका खत्म हो गए। हाँ दूसरे लोग और किसी को कोई पूछना है? हाँ हाँ, साहब ने कहा शुरुआत में कि सुप्रीम कोर्ट से भी आप धीरे धीरे जो है मुसलमानों का इस तरीके जो फैसले आ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं विश्वास कमजोर हुआ है, तो क्या ये सब जो आप संविधान को मजबूत कर पराधी वाला का नाम सुना, सुप्रीम कोर्ट के जज का बयान सुना, वो खुद ही कह रहे कि सोशल मीडिया में सारे देश भर में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर और कमेंट पर बहुत सारी बातें लिखी जा रही है, बोली जा रही है, ये तो जज खुद कह रहे हैं। माफी मांगने की बात अलग, मगर वो खुद जज कह रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, इतनी सारी बातें कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सीरियस बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहे हैं तो इसका मतलब गंभीर बात है। वो बात नहीं है, सारी बातें जो है अगर किसी को पूछना, अगर और किसी का कोई सवाल बाकी है तो पूछ लो। ओके धन्यवाद धन्यवाद।